इस समय बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं न्यूज वन इंडिया पर, ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरपर्सन एमएस बिट्टा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत सर आपका। वंदे मातरम। वंदे मातरम जी। एमएस बिट्टा साहब, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये कि तकरीबन 3 दिन बीत गए हैं, एनआईए को जांच हालांकि सौंपी गई है और 24 घंटे हो गए हैं और कोई सबूत दरअसल अभी तक कोई सुराग हमारे पास नहीं है, किस तरीके से हम लीड तक पहुंचेंगे? आप क्योंकि टेररिज्म पर काफी काम कर चुके हैं, काफी लंबे अरसे से आप देश में जिस तरीके से टेररिज्म पांव पसारे हैं अपने देश में, उस पर निगाह आपकी बेहद पैनी रही है, क्या आपका रिएक्शन इस पर? पाकिस्तान के जो ISI है ये फेल हो चुकी है। आतंकवादी वो उतने रहे नहीं, जितने आते हम मार के रोज भगा देते हैं, मार देते हैं, खत्म कर देते हैं। अब उन्होंने एक ड्रोन का सहारा ले लिया। हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री है, मैं बीजेपी में नहीं हूँ, पर प्रधानमंत्री के ऊपर हमें यकीन है, हम जवानों के ऊपर यकीन है, अजीत डवाल सुरक्षा एडवाइजर के ऊपर यकीन है, हमें यकीन रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात, उन्होंने नई तकनीक। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात है एमएस बिट्टा साहब, लेकिन आतंकी अगर जम्मू के एयरबेस तक पहुंचे तो खतरा तो बना हुआ है। देखो खतरा, ये ड्रोन का खतरा, ये अकेले मत समझिए कि हमारे एयरफोर्स के हेडक्वार्टर पे हमला किया गया या जम्मू कश्मीर में किसी, ये तो अब नई चीज सामने जो आई है, ये किसी के ऊपर भी ऐसा हो सकता है जी। जरूरी नहीं बॉर्डर के जरिए, किसी और जगह पे भी हो सकता है। तो हमें आज से इन चीजों की तरफ, ये जो नई चीज उन्होंने पाकिस्तान ISI ने की है, आतंकवाद उनका हमने कमजोर किया है, ISI को हमने कमजोर किया, हमारी सुरक्षा फोर्सेस ने, हमें इसके ऊपर सिर्फ सीमाओं पे नहीं पूरे भारत वर्ष के अंदर जहां जहां सुरक्षा में कहीं ना कहीं दिक्कत है या कोई ऐसी हमारे स्थान है हिंदुस्तान में जो सुरक्षा में दायरे में रहते हैं, जहां कई ऐसी गोपनीय चीजें होती हैं, उसकी रक्षा के लिए हमें बिल्कुल पूरे देश में स्टेट गवर्नमेंट को अलर्ट करने की जरूरत है। बॉर्डर के अलावा, हाँ। बॉर्डर पे तो है, बॉर्डर के अलावा भी, हाँ। जी ठीक है। जैसे मेरे ऊपर अमृतसर के ऊपर मैं जहां रहता था बम्बों से हमला हुआ, हाँ। जब मैं बम्बों से बच गया, दिल्ली के अंदर ब्लास्ट हुआ, अमृतसर में हुआ, तो मेरे घर के पीछे किसी ने किराए पे जगह ले ली आतंकवादियों ने कि जब भी बिट्टा आएगा बम्बों से उड़ा देंगे, बम्बों से ना उड़ा सके तो आप ड्रोन से हमला कर दें। ये तो कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन निश्चित तौर पर जो सरहदें हमारी हैं, कम से कम उन सरहदों को ज्यादा मजबूत किए जाने की आवश्यकता है। और अभी क्योंकि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसको पड़ताल कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है, और इंतजार है हम तमाम लोगों को, देश के तमाम लोगों को, कि जल्द से जल्द वो लीड मिले कि आखिर इसको कमांड कौन कर रहा था। बिट्टा साहब की ये सवाल अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है कि टेक्नोलॉजी का किस तरीके से घातक इस्तेमाल ये तमाम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे हैं, हालांकि हम अभी ये नहीं जानते कि इस ऑपरेशन को कमांड कौन कर रहा था, लेकिन फिर भी क्या इसी के अकॉर्डिंग मेजर्स लिए जाने की जरूरत है? मुझे अभी याद आ रहा है कि मैं जेड प्लस सुरक्षा में हूं, काफी अटैक हो चुके हैं, कई जगह जहां मैं जाता हूं, कर्नाटका पीछे गया था तो पुलिस वालों ने ड्रोन से वीडियो बनाने की इजाजत नहीं दी, जो मुझे मेरे लोगों ने बताया। तो खतरा तो देखो आज है नहीं, खतरा तो पुराना है, ये मैं बात कर रहा हूँ सवा साल पहले की, और भी कई जगह पे ऐसा हुआ कि मेरे फंक्शन में ड्रोन की इजाजत देते नहीं जी। तो उस वक्त की अगर बात है, ड्रोन की इजाजत नहीं देते तो खतरा तो आप हैरान होंगे कि सरहदों पे कितना सुरक्षा होगा, देश के अंदर कितना सुरक्षा होगा जी। पर उस वक्त तक वो वाकया नहीं हुआ था, पर अब वाकया भी हुआ है, उस जगह पे हुआ है जहां से जिस हमारी फोर्सेस पूरे देश को बचाती है, सीमाओं को बचाती है, जहां पे दीनानगर पठानकोट की घटना भी अगर हुई तो उसी साइड पे हुई। तो ये बहुत बड़ी, बार बार कह रहा हूं गरिमा जी, ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। हमें सुरक्षा एजेंसियों को और उसके साथ साथ पब्लिक को भी अवेयर होने की जरूरत है कि ज्यादा ड्रोन का जो इस्तेमाल करते हैं उसमें कमी आए, नहीं तो ये आम अगर चीज हो गई तो ये हर जगह पे खतरा पैदा हो सकता है। कोई अपनी पॉलिटिकल दुश्मनी बनाने के लिए भी नुकसान कर सकता है, कोई किसी के साथ पर्सनल दुश्मनी उसका नुकसान कर सकता है। इसके ऊपर
सरकारों को दोबारा सोचना होगा। लेकिन किस तरह के मीजर्स लिए जाने चाहिए? मैं समझता हूँ इसकी पूरी परमिशन होनी चाहिए। ओके। कई एजेंसियों से, जैसे मैं भी कहीं जाता हूं तो परमिशन लेकर के फिर उसको इजाजत दी जाती है, ठीक है। ऐसे इसकी परमिशन के बगैर ड्रोन चलाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। लोकल पुलिस स्टेशन हो, लोकल पुलिस का हेडक्वार्टर हो, इसकी फायर ब्रिगेड हो, हर जगह से इसकी परमिशन होनी चाहिए, जिससे और चीजों के ऊपर फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है। पर ड्रोन एक आज बहुत बड़ी खतरे की घंटी के देख करके पूरे देश में, पूरी दुनिया में सामने आया। सर, सवाल मेरा यह है कि अगर हम यूनाइटेड नेशंस में, अगर हम संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस मुद्दे को उठाते हैं, क्योंकि बहुत सारे पिछले ऐसे मुद्दे हैं जिनको संयुक्त राष्ट्र महासभा में उठाया गया, लेकिन वहां पर उस फोरम पर उठाने के बाद वो तमाम चीजें और लंबित हो गई, लिंगर ऑन हो गया, तो क्या इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र महासभा में उठाना आपके हिसाब से किस तरह का आपका इसको लेकर माइंडसेट है? आप हैरान होंगे, अरे कल या परसों वाकया हुआ है और आज मुद्दे को उठाया गया, क्योंकि हमारी देश की सुरक्षा व्यवस्था, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री, हमारी डिफेंस पॉलिसी बिल्कुल मजबूत है। उन्होंने इसको ढिलाई से नहीं लिया, उन्होंने इसको फटाफट सब मुद्दे को सब जगह पे उठा दिया कि इसके ऊपर हमें बड़ी अलर्ट और बड़ी हमेशा तैयारी रखने की जरूरत है इसका मुकाबला करने के लिए। ये सिर्फ हमारे देश में नहीं, और भी देशों में कहीं भी ऐसी चीज होती है तो इसके ऊपर हमें तैयारी रखनी पड़ेगी। कहा हमारे डिफेंस एक्सपर्ट ने कि निश्चित तौर पर कहीं चूक हुई है, छोटी या बड़ी उसको बाद में शायद मेरे ख्याल से फिगर आउट कर लिया जाएगा, लेकिन चूक हुई है। एक अंतिम कंक्लूडिंग रिमार्क आपकी तरफ से। देखो शवाई साहब तो बहुत डिफेंस के एक्सपर्ट है, हर चैनल में हम एक जगह पे होते हैं जी। आप पहले तो मैं अपने समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता को मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, डिफेंस के मुद्दे के ऊपर, सुरक्षा के मुद्दे के ऊपर इन्होंने कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं की है, ठीक है। अगर पॉलिटिकल पार्टियां, आपके चैनल पे पहली बार देख रहा हूँ, अगर सारी पॉलिटिकल पार्टियां एक मंच पे डिफेंस के मुद्दे के ऊपर, सेवाओं के मुद्दे के ऊपर एक विचार रखे तो कुछ हो नहीं सकता। दूसरी बात मैं आपको कहूँ, हमारे कश्मीर के अंदर मेरा फिर आपसे एक सवाल है, क्या जवानों की आप चाहते होती है? नहीं होती है, कभी कभी, पर ज्यादा आतंकवादियों को ठोका जाता है, ठीक है। क्या तिरंगे झंडे का अपमान होता है? नहीं। अब जो भी कमियां है, जो नई चीज आई है, उसके ऊपर सरकारों को ध्यान देना पड़ेगा मजबूती से, सीमाओं पे नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हर जगह पे सरकारों को इस ड्रोन के मामले में एक नई एक कोई गाइडलाइन बनानी पड़ेगी, ताकि उसका कोई गलत फायदा कहीं ना आ सके। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ वन इंडिया को आपने समय दिया।